अमृतसर में टिफिन बम की बरामदगी के बाद फैली दहशत के बीच जालंधर के सिटी रेलवे स्टेशन से संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। ये बैग बोरियों के ढेर के नीचे दबाकर रखा हुआ था। मिलिट्री रंग के बैग के अंदर से एक रेडियो नुमा वस्तु मिली है, जिसकी बम निरोधक दस्ते से जांच करवाई गई। इस बैग में से पुलिस को कुछ कपड़े व रेडियो भी मिला है, जिसे देखते हुए अब कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वहीं हालात को देखते हुए रेलवे स्टेशन व उसके आसपास के इलाकों को सील करवा दिया गया है। इसके अलावा मौके पर लगभग 300 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए थे। काफी देर तक चली इस जांच के पश्चात जनरल रेलवे पुलिस के SP प्रवीण कंडा ने बताया कि ये कमिश्नरेट पुलिस और GRP की सांझी मॉक ड्रिल थी। उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट के बावजूद कोई बैग लेने नहीं आया। जिस वक्त ये बैग बरामद हुआ, रेलवे स्टेशन में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जल्दी जल्दी आओ, छक्की कोई चीज पई है। असि तुरंत दो गड्डिया लैके हेडक्वार्टर वाली दमोरिया पुल वाली गड्डी लैके असि रेलवे स्टेशन ते पहुंच गए। आन के मौका संभाल लिया। इस दे विच थ्रू कंट्रोल रूम एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि रेलवे स्टेशन जलंधर देते कोई सस्पेक्टेड चीज़ जी है, कोई बैगेज टाइप का सस्पेक्टेड डिवाइस मिला, जिन्हों उन्होंने सैंड बैग वगैरह ला के अपनी जो एंटी सबोटा टीम्स ने उन्होंने को चेक करवा लिया। पर बाद जो वेखना या वेरीफाई करना या डिटेक्ट करना कि एक की है डायरेक्ट IED यानी कि इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है या नहीं है, वो सिर्फ बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड ही कर सकता सी। क्योंकि अगर इन केस वेद कोई सस्पेक्टेड डिवाइस होंदा, अगर एक्सप्लोसिव होंदा या कोई डेटोनेटर टाइप कुछ होंदा, कोई शक्की कोई बंदा अनजान बंदा उन्होंने हैंडल कर लेंदा, तो किसी तरह भी हैंडलिंग करने के ब्लास्ट हो सकता सी। सो जिदा ही सानू इन्फॉर्मेशन मिली, असी अपनी टीम लैके इतने आके अपने जो भी साडे इक्विपमेंट्स ने, जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स ने, उन्होंने नाल उन्होंने चैक किया। चैक करन तो बाद साडे जिदा इक्विपमेंट सानू कुछ इक्विपमेंट सानू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे इस डिवाइस इस बैगेज के अंदर कोई डिवाइस हो सकता। सो असी प्रॉपर उसका एक्सप्लोसिव चैक करके उसका मैकानिजम चैक करके वो सारे पार्ट्स देख के सारे एंगल देख के उस तो बाद डिसीजन लिया कि ये सानू एक्सप्लोसिव बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। सो ऑन द स्पॉट उत्थे खोलना असी उन्होंने वाजिब समझा। सो आप फाइनल डिसीजन लैके अपने इंचार्ज साहब ना डिस्कस करके उन्होंने ऑन द स्पॉट जो खोलिया तो वो अंदर एक टेप रिकॉर्ड तो कुछ कपड़े मिले जो कि एक बम तो नहीं सी, पर यह हो सकता है कि जिदा इन चीज़ों को लैके ही एक देसी बम तैयार किया जा सकता है, जिद रेलवे स्टेशन बहुत आराम उड़ाया जा सकता है। ये मैसेज आया से भी कोई भी लवारस बैग जोड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर मिले सूँ, जिते रेलवे का मेन हाथा हैगा, जिते टिकट काउंटर भी नाल हैगा, एंट्री गेट भी हैगा, कोई शक्की व्यक्ति जोड़ा कोई बैग छे अपने कपड़े वगैरह है किसी के हैं जी, तो कोई भी यहोजी छक्की चीज़ नहीं मिली। हाँ, ये 15 अगस्त को असी हाईलाइट के DG साहब के हुक्म अनुसार हाईलाइट से पंजाब असी मद्देनज़र रखते ये सारी मॉक ड्रिल की है ता जो पब्लिक नू अवेयर किया जा सके भी कोई भी छक्की चीज़ सानू मिलती है या कोई छक्की व्यक्ति मिलता सानू तुरंत सूचना दे। असी मैसेज ये देना चाहते हैं कि कोई भी लवारस वस्तु चीज़ छक्की व्यक्ति जेकर घूमता पब्लिक नू दिखाई देता सानू तुरंत सूचना दी जाए ता जो असी उस बारे पूरी पड़ताल कर सकें। सूचना मिलने पे 15 अगस्त को लेकर के और जो इनपुट पंजाब में मिला था कि ISI के द्वारा एक अटेम्प्ट लिया जाएगा, सुबह एक लवारिस बल्ब बैग की सूचना मिलने पे जो इतर कार्रवाई हम लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से होती है उसको हम लोगों ने करवाया। GRP RPF के लोग मिल करके स्टेशन पर उसको चेक किए और ये मेटल डिटेक्टर चेक करने पर उसको हैंड डिटेक्टर से वो पाया गया कि उसमें कोई मेटल है। फिर बाद में उसकी कॉर्डनिंग करके सैंड बैग से उसको रखा गया और कार्रवाई करने के लिए बाकी विभाग को, फायर ब्रिगेड को, बम डिस्पोजल स्क्वाड को, हॉस्पिटल को, सबको सूचना दी गई। सारे अधिकारी लोकल DSP, लोकल SP, GRP के सारे अधिकारी मौके पर पहुँचे। उसके बाद चेक करके उसको पाया गया कि उसमें एक कोई ट्रांजिस्टर रखा हुआ था बैग में, जिसको कि बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोज के बाहर निकाला।